परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर सितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करही। मौसम यहयनु भयउ न दूजे सब पायउ रज पावनि पूजे। जे गुरु पदयम बुजय अनुरागी ते लोकहुँ बेदहुँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी हैं सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। कलिजुग केवल नाम यधारा सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। राम नाम के जाप से सकल पाप कटि जाय। जैसे रवि के उदय से अंधकार मिटि जाय। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सोबेगी दास मैं तोरा। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति सबत जी भजन करहूँ दिन राति। दीन दयाल बिरद सम दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्वास श्वास में राम कहु
वृथा श्वास जनिखो ना जाने इस श्वास का आवनी हो इन हो आस पास जोधा खड़े सब ही बजावत गाल मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल कबीरावो नर अंध है गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर हैं गुरु रूठे नहीं ठौर कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछा लागे प्रभु फिरे कहत कबीर कबीर कबीरा गर्वन कीजिए रंकन हसिए कोय अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या होय सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया तू याद कह कबीर वादास की कौन सुने फरियाद दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय जो सुख में सुमिरन करे तो दुखवा काहे हो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों आज रविवार है एक बहुत ही प्रेरणादायक भजन है उसी का अर्थ बताएंगे। जितने भी महापुरुष हुए सभी ने भजन के माध्यम से सत्संग के माध्यम से मानव जाति को यही समझाने का प्रयास किया कि कम से कम सुबह और शाम हरि का नाम ले लो भगवान का नाम ले लो परमात्मा का नाम ले लो ताकि जीवन मनुष्य जीवन संवर जाए। दिन भर मनुष्य अपने लिए अपने परिवार के लिए संसार समाज के लिए करता है लेकिन सुबह शाम जो भी 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भगवान का भजन करता है वह अपनी आत्मा के लिए करता है अपने आत्मा के उद्धार के लिए करता है। तो आइए सबसे पहले भजन सुन लेते हैं फिर उसका अर्थ जानेंगे। इन महापुरुष का भजन के माध्यम से कहना है कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे पल पल आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिट जाएगा सब कलह धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को बंदे अपने हटा ले, तो बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे। मनुष्य या किसी भी जीव, चराचर में जो भी जीव हैं, मनुष्य हैं, जड़ चेतन स्थावर जंगम, सबकी एक आयु निश्चित हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए दुनिया की सबसे पुरानी फिलॉसफी, सबसे पुराना ग्रंथ और मानव जाति का शास्त्र गीता में कहा कि हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन, माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ भी सृष्टि में बनाया गया है, जड़ हो चेतन हो स्थावर हो जंगम हो, सबकी एक आयु है और वो आयु धीरे धीरे नष्ट होते जा रही है, कम होते जा रही है, क्योंकि पल पल सेकंड सेकंड, इंग्लिश सब सेकंड हो गया और पल पल हिंदी शब्द है, आठों पहर धीरे धीरे, 24 घंटा में 8 पहर होता है, 3 घंटा का 1 पहर होता है,
आठ गुणे तीन बराबर 24, आठ तिरिक 24, सुबह दोपहर शाम ये तीन तो सब जानते हैं, लेकिन आठ पहर होता है, हर तीन घंटा पर एक पहर बीत जाता है। जैसे चार बजे को ब्रह्म बेला कहते हैं, शाम में गधबेरा कहते हैं, तो इसी तरह आठ पहर है। तो पल पल आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे हर एक श्वास आदमी कम ही हो रहा है। एक श्वास गई और आई तो एक जितनी भी श्वास है आपके जीवन में उसमें से एक श्वास कम हो गया। इसलिए हमारे संतों ने कहा जब उम्र चली जा रही है तो करना क्या है, तो कहते हैं कि श्वास श्वास में राम कहो, वृथा श्वास जनि खोहु, ना जाने इस श्वास का आवनि हो न हो। श्वास श्वास में भगवान का नाम लेना है, परमात्मा का नाम लेना है, तो भगवान का नाम क्या है, तो ओम राम, दोनों का मतलब एक ही है, यही भगवान का नाम है। तो जपना है, पहले बैखरी से व्यक्त हो जाए, फिर मध्यमा, धीरे धीरे फिर वही साधना का जब अभ्यास उन्नत होगा तो पश्यंती, फिर आगे जपे न जपावे अपने से आवे परा। तो इसलिए अगर ऐसा करते हैं तो जिस उद्देश्य पूर्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है वो अवश्य होगा। तब भगवान कहते हैं कि जो इच्छा राखहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान का भजन करोगे, जो भी मन में इच्छा होगी, कामना होगी, सबकी भगवान पूर्ति करते हुए और वास्तविक उपलब्धि अपने स्वरूप की तरफ आपको बढ़ा देंगे। तो इसलिए ये भजन में महात्मा कहते हैं कि अगर आठों पहर उम्र बीत जा रही है तो करना क्या है, तो कहते हैं जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। धीरे धीरे स्नेह स्नेह, भगवान ने भी गीता में कहा अर्जुन, नकल करने वाले साधक अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे साधना अवस्था में आगे बढ़ना है। गीता में भगवान ने कहा कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मो भयाय वह, अपने स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार साधना में जो साधक लगता है वह एक दिन पार हो जाता है, और नकल करने से फिर क्या होता है, अकल नहीं होती। अगर सियार शेर का नकल कर ले तो फिर वो शेर नहीं बन सकता, उसको स्नेह स्नेह जब योनि परिवर्तन होगी तभी बन पाएगा। इसलिए कहते हैं धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। भगवान बुद्ध को 200 जन्म लगा, 200 जन्म के बाद भगवान मिले। हमारे दादा गुरु महाराज को 10 जन्म, 7 जन्म लगा, 7 जन्म के बाद भगवान मिले। इसलिए अगर भजन धीरे धीरे होगा तो क्या होगा, तो कहते हैं तो मिल जाएगा वो
सजन धीरे धीरे। एक तो सजन बाहर हैं, किसी औरत के पति को सजन कहते हैं, लेकिन नहीं, वास्तविक सजन है हमारे भगवान परमात्मा ईश्वर। हनुमान जी राम नाम जपते थे, जब राम नाम की पराकाष्ठा हो गई तो सीता जी को रावण हर ले गया, और भगवान खोजते खोजते बाली जहाँ सुग्रीव को मारा था, डर से सुग्रीव पर्वत पे रह रहा था नीलगिरी पर्वत पर, और हनुमान जी वहीं धीरे धीरे राम नाम जप रहे थे। तो सुग्रीव ने जब गुप्तचरों की बात सुनी, सुग्रीव को भय हो गया, वो कहने लगा, लगता है बाली यहाँ नहीं आ पाता है, इसलिए कोई दूत भेजा है हमें मारने के लिए, इसलिए हे हनुमान जी सबसे चतुर आप हैं, आप जा कर के पता लगाएं तो ये दोनों लोग कौन हैं। हनुमान जी गए, भगवान से पूछा कि तुम दि तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। भगवान आप कौन हैं? जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, हनुमान जी हर्ष के मारे, खुशी के मारे झूम उठे और कहने लगे, देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। हृदय में हर्ष हुआ और सारे सूल नष्ट हो गया, दुख नष्ट हो गया। तो क्या हनुमान जी स्त्री थे और भगवान राम उनके पति थे? सजन पति बात एक ही है, तो भजन कर रहे थे तो सजन जो परमात्मा है वो पति रूप में हनुमान जी को मिल गए, हनुमान जी खुश हो गए। एक भजन है बिहार में, सब लोग गाते हैं, कब अब सदगुरु पहुनुमा हमार भवनमा। तो सजन परमात्मा भगवान हैं, ईश्वर हैं, तो इसलिए कहते हैं तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर राम नाम में विश्वास है, कहें राम राम जपते रहो, जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जब उनके कान में भनक पड़ जाएगी तो वो सजन वो परमात्मा मिल जाएंगे। आगे कहते हैं, अगर नहीं करोगे तो बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बचपन तो हंसी खेल में चला गया, जवानी भी मौज मस्ती में चली गई, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। ठेंगुना में दर्द, कान में दर्द, आँख से कम सूझना, एक घंटा बैठो तो रीढ़ के हड्डी में दर्द, कहीं न कहीं दर्द परेशान किए हुए है। तो समय तो जा रही है, इसलिए बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे।
ये शरीर क्षणभंगुर है, नश्वर है, आज है तो कल नहीं है, इसलिए बड़े भाग से मिला है 84 लाख योनि के बाद। मरने के बाद जलाने और घाट से आने में 4 घंटा लगता है, 4 घंटा बाद सब खेला ख़त्म, और घाट से आते आते इधर सब कोठरी तुम्हार साफ हो जाए, गंगा जल से धोआ जाए, पुरान कपड़ा रहेगा वो डोम ले लेगा, नया रहेगा 11 दिन बाद वो गंगा जल छीट के शुद्ध हो जाएगा। 4 घंटे में पूरा संसार खत्म हो जाता है, इसलिए नहीं करोगे भजन तो महापुरुष कह रहे हैं कि बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। आगे उन्होंने कहा, तेरे हाथ पांव में बल ना रहेगा, झुकेगी कमर झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। तब बुढ़ापा में इतने बैठ के कहोगे पोता से नाती से, तोरे उम्र कर रही तो हऊ उठाए देत रही, तोरे उम्र कर रही तो हऊ कर देत रही। जामोहन जी कहे ना कि हे हनुमान जी क्या बताएं, जब मैं जवान था भगवान बलि का साम्राज्य नापने के लिए धरती से लेकर के पाताल तक, पाताल से लेकर के स्वर्ग तक इतना लंबा रूप बनाया, उसको मैं एक घड़ी मैंने 3 घंटा में 7 बार उसको घूम लिया, लेकिन अब क्या बताएं बल ही नहीं है, न तो इस समुद्र तो हम 1 मिनट में चलाते ना, 100 योजन हमारे लिए कुछ नहीं है। तो बस यह चर्चा करोगे, क्योंकि ये बल धीरे धीरे छीन होते जा रहा है। तेरे हाथ पांव में बल ना रहेगा, झुकेगी कमर तुम्हारी धीरे धीरे, इसलिए भजन करो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे। कहते हैं तो होगा कैसे, तो बुराई से मन को अपने हटा ले तो बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। जो मन में बुराई है इसको अपने मन को हटाना है, मन कह पहले मन यह काग था, करता या तम घात पाछे मन हंसा भया, मोती चुंग चुंग खात। कहीं भी आदमी जाता है तो वहाँ का अच्छाई न देख के बुराई ही देखने का प्रयत्न करता है, तो जब बुराई पे मन जाए तो उसे हटाओ, और जो भी अच्छा है वहाँ का देखो, क्योंकि सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, अजिमि सज्जन सदगुण पहीं आवा। तो जैसे जैसे ये मन, तो ये बुराई क्या है, पूरा संसार बुराई का खान है, जब तक इसमें जीव रहता है तो कुछ न कुछ भला बुरा होते ही रहता है, इसलिए इससे ही अपने मन को हटाना है, और हटा के क्या करना है, मन को भगवान के चरणों में लगाना है, तब क्या होगा, ये मनुष्य जीवन बन जाएगा, तो बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे। इसलिए नहीं कहो हम 40 बरस के हो गए, 60 बरस के हो गए,
कोई कहे तोहरे नियर हमर बेटवा नाती है, धीरे धीरे आयु कम हो रही है, इसलिए वही महान है, वही अच्छा है जो सुबह शाम 10 मिनट 20 मिनट ओम का जाप करता है और जब भी समय मिलता है भगवान के चर्चा में अपने मन को लगाता है, ऐसा करता है तो इस जन्म नहीं उस जन्म किसी न किसी जन्म में, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्ति का नाश तीनों काल में नहीं है। गीता में स्पष्ट प्रभु श्री कृष्ण ने कह दिया कि हे अर्जुन, नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस गीतोक्त साधना के अनुसार भक्ति भजन जो भी कर लेता है तो उसका बीज पड़ जाता है और वही बीज फल दे करके ही, अर्थात फल माने भगवान से मिला के ही वो बीज नष्ट होता है, अर्थात भगवान में ही मिल जाता है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सोई जानहुं जेहीं देहुं जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। इसलिए भगवान आपको वही जान पाता है जिसे आप जना देते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बिनु सतसंग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख धरियतुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुखलव सतसंग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम शांति शांति शांति। परम पूज्य संत स्वामी सदानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं।